तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले मी A3 स्मार्टफोन के बारे में। तो यहाँ पे इस स्मार्टफोन से रिलेटेड काफी कुछ बाहर आ चुका है, तो मैंने सोचा आपको एक वीडियो बना के बता देता हूँ इसी स्मार्टफोन से रिलेटेड। हालांकि गाइस इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि अब पुराना हो चुका है, तो मैंने सोचा एक और वीडियो बना देता हूँ और आपको अपडेट कर देता हूँ इसी मी A3 के स्पेसिफिकेशन से। और यहाँ पे इसके कुछ और डिटेल्स भी बाहर आ चुके हैं जो कि मैं आपको वीडियो के आगे में बता दूंगा। और यहाँ पे आपको तो पता होगा ये डिटेल्स क्या होने वाला, मतलब कि इसका प्राइस पॉइंट और लॉन्च डेट भी कन्फर्म हो चुका है जो कि मैं आपको वीडियो के आगे में बता दूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो आपको ये तो पता ही होगा कि काफी सारे दिन से इसके बारे में बात चल रही थी और इसके कोड वर्ड से रिलेटेड कुछ बात हो रही थी, तो यहाँ पे मी E3 जल्दी आने वाला है ये तो कंफर्म है। और यहाँ पे मनु कुमार जैन जो कि Xiaomi के इंडिया हेड, उन्होंने ट्वीट भी किया था, तो उससे तो काफी ज्यादा साफ हो जाता है कि आपको इसमें स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताता हूं मैं आपको इसका मी E3 का कुछ स्पेसिफिकेशन। तो बढ़ते फोन के स्पेसिफिकेशन की ओर, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे फोन के डिस्प्ले साइज की। तो यहाँ पे आपको 6.4 इंच का डिस्प्ले साइज देखने को मिलेगा, साथ ही आपको फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी और आपको AMOLED का पैनल देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा जो कि कंफर्म है, आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं फोन के डिजाइन की। तो यहाँ पे ये तो साफ है, आपको जो चाइना में मी 9 लॉन्च हुआ था उसके ही जैसा कुछ डिजाइन देखने को मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे ग्लास बैक तो देखने को मिल जाएगा, साथ ही आपको ग्लॉसी ग्रेडिएंट वाली फिनिश भी देखने को मिल जाएगी। तो बात करें फोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर। और यहाँ पे कोड वर्ड में जो बात चल रही थी वहां से पता लग जाता है आपको उसमें पक्का 7 सीरीज का ही कोई प्रोसेसर देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको मी E3 में 730 का प्रोसेसर देखने को मिले और मी A3 लाइट में आपको कोई नॉर्मल प्रोसेसर देखने को मिले जो कि होगा स्नैपड्रैगन 710 या फिर स्नैपड्रैगन 712। बात करें फोन के रैम वेरिएंट्स की, तो ये लॉन्च होने वाला 4GB 6GB वाले रैम वेरिएंट्स में। बात करेंगे फोन के कैमरास के बारे में, तो ये तो कंफर्म है आपको बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जैसे कि चाइना में मी 9 AC लॉन्च हुआ था वैसे ही कुछ आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे 48 MP का मेन कैमरा देखने को मिलेगा, 13 MP का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा और 8 MP का डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें फोन के सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा जो कि एग्जैक्टली में कंफर्म है गाइस, आपको 32 MP सेल्फी कैमरा ही देखने को मिलेगा। बात करते हैं फोन के सॉफ्टवेयर के बारे में, ये तो पक्का पता है आपको एंड्रॉइड पाई के ऊपर आने वाला है, साथ ही आपको जैसा पता है मी ए सीरीज जो होता है उसमें आपको मिलता है एंड्रॉइड 1 का प्लेटफॉर्म, जिसमें कि आपको 2 साल तक नई एंड्रॉइड्स के अपडेट्स आते रहेंगे और 3 साल तक सिक्योरिटी पैचेस के भी अपडेट मिल जाएंगे आपको इसी एंड्रॉइड 1 के प्लेटफॉर्म में। असली बताता हूं मैं आपको इस फोन के बैटरी के बारे में, तो ये तो आपको पता है मी ए सीरीज में थोड़ा बैटरी कम आता है, तो यहां पे आपको 3500 या फिर 3800 mAh वाली बैटरी देखने को मिलेगी, जहां पे आपको क्वालकॉम का क्विक चार्ज 4.0 तो मिल ही जाएगा, टाइप सी का पोर्ट भी मिल जाएगा और इस बार 3.5 mm हेडफोन जैक भी मिलेगा क्योंकि मी A2 में मिसिंग था और जिसके कारण मी A2 को भी काफी बुरा भला बोला था हम लोगों ने। तो गाइज ये थे कुछ इसका की स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं जो चीज़ के लिए आप काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, बताता हूँ इसका प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे इसका जो प्राइस आने वाला है, जैसा कि आप गूगल में जाकर सर्च करोगे और वहाँ पे मी 9X का प्राइस बताएगा गूगल कुछ 20,000 रुपये के आसपास, लेकिन इसमें हो सकता है कि इंडिया में ये लॉन्च करे Xiaomi इसको कुछ थोड़ा मॉडिफाई करके, तो इसका जो प्राइस होगा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा 16,000 से 18,000 रुपये के अंदर ही। अब बात करते हैं फोन के लॉन्च डेट के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करते हो मी A3 लॉन्च डेट, तो गूगल बताता है 26 जून 2019। तो यहाँ पे ये तो पता है आपको जून के अंदर ही लॉन्च होगा, लेकिन यहाँ पे गूगल जी काफी अच्छे से डेट भी बता देते हैं, तो देखते हैं ये कब ये लॉन्च होता है। जैसा कुछ और न्यूज निकल कर आएगी मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। तो बस गाइस इस छोटे से वीडियो में इतने, अब ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। कैसा लगा आपको मी A3 जरूर कमेंट करके बताना, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोज में आप सभी के लिए डेली अपलोड करते रहता हूं। तो मिलता है मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।